In this video, I am going to share with you all the Lifetime Worldwide box office collection of Bollywood film Geet. दोस्तों मूवी गीत जो रिलीज हुई थी 10 जुलाई 1970 यानी 1970 को, ये एक बॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा मूवी है जिसको 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी। इसके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है रमानंद सागर। बात करते कास्ट की, फिल्म के अंदर राजेंद्र कुमार, माला सिन्हा और नसीर हुसैन, ये तीनों इसमें लीड रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे। लेकिन इनके अलावा सपोर्टिंग रोल में काफी सारे कास्ट नजर आई थी। 1976 में फिल्म गीत का एक तेलुगु रीमेक बनाया गया था जिसका नाम था आराधना। और फिल्म गीत पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म है, पहली क्या, मैं तो ये कहूंगा इकलौती ऐसी बॉलीवुड फिल्म है जो श्रीलंका में सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक चलने वाली फिल्म है। यानी कि फिल्म गीत श्रीलंका में लगभग 604 दिन 604 डेज तक चली थी, यानी कि लगभग 1 साल 8 महीने 1 year 8 months तक चलने वाली फिल्म है। पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म, इकलौती ऐसी बॉलीवुड फिल्म जो श्रीलंका में इतने लंबे टाइम तक चली थी। अब बात करते हैं बेसिक स्टोरी की। तो फिल्म में क्या होता है, माला सिन्हा और राजेंद्र कुमार दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन एक बार क्या होता है, माला सिन्हा जो देखती है अपने पिता की डेड बॉडी को और देखती है कि उनके पिता की डेड बॉडी के पास अकेले राजेंद्र कुमार जो उनका प्यार है वो उनके साथ खड़े होते हैं। अब ऐसे में जो है माला सिन्हा, उनको ये लगता है कि उनके पिता का कत्ल उनके लवर राजेंद्र कुमार ने किया है। अब क्या वाकई राजेंद्र कुमार ने माला सिन्हा के पिता का कत्ल किया होता है या फिर सच्चाई कुछ और है, ये सब जानने के लिए आपको फिल्म देखना पड़ेगा। खैर बात करते हैं कलेक्शंस की। तो फिल्म का इंडिया का जो लाइफटाइम नेट कलेक्शन था वो था 95 लाख रुपए का, 95 लाख का। इंडिया का लाइफटाइम जो ग्रॉस कलेक्शन था, ग्रॉस कलेक्शन जिसमें टैक्स इंक्लूड हो जाता है, वो है 1 करोड़ 90 लाख रुपए का, 1 करोड़ 90 लाख का। रही बात बजट, तो फिल्म का बजट है अप्रॉक्सीमेट 75 लाख रुपए का। अब 75 लाख के बजट के हिसाब से फिल्म का जो इंडिया का लाइफटाइम नेट कलेक्शन था 95 लाख रुपीज का, उस हिसाब से अगर हम वर्डिट की बात करें यानी कि हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि फिल्म गीत बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी। फिल्म की ऑफिशियल वर्डिक्ट वर्ल्ड वाइड एवरेज की। अब रही बात गानों की, तो फिल्म के गानों की एल्बम में टोटल 8 गाने थे, कुछ गाने हिट साबित हुए थे। गानों को कंपोज किया था कल्याण जी और आनंद जी की जोड़ी ने। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।